मुकेश ऋषि बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके बावजूद बॉलीवुड के बजाय साउथ ने उनको पहचान दी, इसलिए साउथ में जाकर वो ज्यादा काम करते हैं। हालांकि बॉलीवुड की कुछ फिल्में उनकी आप गौर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट काम है। बस मिथुन की गुंडा भूल जाइए, बिकॉज वहां पर उनका बुल्ला वाला किरदार तो बिल्कुल कल्ट हो चुका है, हालांकि वो एम्बैरसिंग किरदार था। उसके अलावा गर्दिश कह लीजिए, लोफर कह लीजिए, यहाँ तक कि बाद की फिल्मों में सूर्यवंशम कह लीजिए, और आमिर खान की सरफरोश तो स्पेशली मेंशन करने वाली है, जहाँ पर उनका पॉजिटिव किरदार पब्लिक को बहुत पसंद आया था। बट साउथ में जाकर उनको पहचान मिली और आजकल फिर से बॉलीवुड में उनकी कमबैक हो चुकी है। इंडियन पुलिस फोर्स जो कि रोहित शेट्टी की सीरीज थी, वहां पर वो आखिरी बार दिखाई दिए थे और आजकल इंटरव्यू में सनी देओल के बारे में खुलकर बहुत सारे एनेक्डोट जाहिर कर रहे हैं। मुकेश ऋषि ने सनी देओल के साथ काफी फिल्मों में काम किया है, जैसे घातक हो गई, इंडियन हो गई, लेकिन घातक का नाम स्पेशली याद रहता है उनको, बिकॉज 1996 में आई मूवी घातक में एक हादसा हो गया था। मुकेश ऋषि जो कि चीना का रोल कर रहे थे, बहुत ही तगड़ा विलन था, कातिया का भाई बना हुआ था, उनका सनी से एक फाइट सीक्वेंस होने वाला था। चूंकि मूवी के एक्शन डायरेक्टर थे टीनू वर्मा, जो कि बहुत ही रफ डायरेक्टर माने जाते हैं, फिल्मों के सेट पर हमेशा अपनी गुंडे ही दिखाते हैं और जब भी किसी एक्टर से रिहर्सल करते हैं उनको बहुत ही झकझोर देते हैं, तो टीनू वर्मा घातक में सनी देओल के खिलाफ मुकेश ऋषि को तलवार वाली सीन को समझा रहे थे और तलवार को बहुत ही रफ तरीके से हिला रहे थे। ऐसे में मुकेश ऋषि से गलती हो गई और सनी देओल को तलवार लग गई। उस वक्त तो सनी देओल कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में मुकेश ऋषि को डर लगा, उनको लगा इतना बड़ा एक्टर उनकी वजह से चोटिल हो गया है, कहीं ऐसा ना उनका करियर खराब हो जाए या मूवी से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दो दिन बाद उनकी टीम का कोई मेंबर आया, उसने मुकेश ऋषि को बोला कि आप घबराइए मत, सनी देओल ने स्पेशली आपके पास मुझे भेजा है और कहा है कि बिल्कुल ठीक है। इस तरह से सनी देओल को वो एडमायर करते थे। बहुत साल बाद जब उन्होंने एक मूवी में काम किया जिसका नाम था इंडियन, जो कि साउथ की रीमेक थी, तब तक मुकेश ऋषि साउथ में शिफ्ट हो चुके थे और जिस मूवी का रीमेक थी इंडियन, उसके ओरिजिनल वर्जन में मुकेश ऋषि ने उसी आतंकवादी का रोल प्ले किया था। तो जब इंडियन की शूटिंग हो रही थी तब वहां पर डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन डिंपल कपाड़िया के हाथ में गैजेट था, जो कि आपके स्टेप्स को, मूवमेंट को ट्रैक करता है। आज की डेट में उसको स्मार्ट वॉच कह लीजिए। सोचिए उस जमाने में सनी देओल के टच में जो लोग रहते थे उनके पास इतने हाई गैजेट थे। वैसे भी सनी देओल को कहा जाता है कि हमेशा हाई गैजेट लेने के मामले में वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। विदेशों से बड़े बड़े एंड्रॉयड मंगाने हो, ड्रोन मंगाने हो, हमेशा टेक्नोलॉजी को लेकर वो एक्टिव रहते हैं। यही बात अजय देवगन के लिए भी कही जाती है। बहरहाल जब उन्होंने देखा कि बहुत तगड़ा गैजेट सनी देओल के पास पहुंच चुका है, ऐसे में मुकेश ऋषि उसको देखते रह गए बट कुछ बोल नहीं पाए। कुछ दिनों बाद मुकेश ऋषि को ताज्जुब हुआ जब सनी देओल ने उनके लिए स्पेशल एक गैजेट मंगाया था जो सेम वैसे ही था। तो सनी देओल के दरियादिली से मुकेश ऋषि इतने खुश रहते हैं, आज भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और सनी देओल के मिजाज को लेकर तो हर कोई पॉजिटिव बात ही करता है। तो मुकेश ऋषि की इस फ्लैशबैक से सनी देओल के दो डिफरेंट अवतार दिखाई देते हैं। आपको भी मुकेश ऋषि की कोई ऐसी मूवी याद है जिसका जिक्र हम नहीं कर पाए, या फिर सनी देओल से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा जिसको आप जानते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।